सर, राष्ट्रपति का रांची आगमन हो रहा है, सुरक्षा को लेकर क्या तैयारियां हैं, किस तरह के रूट बनाए गए हैं? राजधानी रांची में राष्ट्रपति का आगमन होने वाला है, इसको लेकर रांची जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है और अपनी तैयारी शुरू कर चुकी है। 19 सितंबर की शाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रांची पहुंच रही हैं, जहां एयरपोर्ट से सीधे वो राजभवन की ओर जाएंगी और राजभवन में रात्रि विश्राम करेंगी। 20 सितंबर को सुबह इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के कार्यक्रम में शामिल होंगी। इसको लेकर तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। सुरक्षा के मद्देनजर 2000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। साथ ही एसपी रैंक के अधिकारी को सेक्टर के तहत बांटा गया है, उसके नीचे डीएसपी स्तर के अधिकारी रहेंगे। और वहीं राष्ट्रपति के कॉर्किट का अभ्यास किया जा रहा है और जिस रास्ते से राष्ट्रपति गुजरेंगी, जहां जितने भी कट हैं उसे बैरिकेडिंग किया जा रहा है। इस बात की जानकारी रांची जोन के डीआईजी अनूप बिरथरे ने दी। सर, राष्ट्रपति का रांची आगमन हो रहा है, सुरक्षा को लेकर क्या तैयारियां हैं, किस तरह के रूट बनाए गए हैं? माननीय राष्ट्रपति महोदय का प्रोग्राम दिनांक 19 और 20 सितंबर का रांची में है, जिसमें 19 सितंबर को शाम को उनका आगमन है एयरपोर्ट पर और एयरपोर्ट से राजभवन में है, राजभवन में उनको स्टे करना है। 20 तारीख को सुबह में प्रोग्राम इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च नाम को में प्रोग्राम है, तो इसके लिए काफ़ी इलेबोरेट सुरक्षा के इंतजाम रांची जिला प्रशासन द्वारा किए गए हैं। इसमें जो रांची के उपायुक्त और SSP, CDSP, RSP और सभी की टीम लगातार कार्यक्रम स्थल पर विजिट की है और एयरपोर्ट टू राजभवन और राजभवन से लेके ICAR नामकुम तक में और सारे इलाके को हम लोगों ने सेक्टर में बांटा है और इन सेक्टर के प्रभारी के रूप में SP रैंक के ऑफिसर होंगे। उनके नीचे में अनेक DSP, इंस्पेक्टर और पर्याप्त संख्या में फोर्सेज लगाई जाएंगी। इन सारे रोड का, रास्ते का और कार्यक्रम स्थल का एंटी सबोटेज चेक समय पर किया जा रहा है। मार्केट की रिहर्सल भी की जाएगी। कार्यक्रम स्थल को भी वरीय पदाधिकारियों ने, सभी लोगों ने विजिट किया है और इस कार्यक्रम को बहुत मायने हम लोग देख रहे हैं और जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी के प्रोटोकॉल से उनको सारा पूरा किया जा रहा है और इसके लिए डिटेल एक संयुक्त आदेश निकाला जाएगा और बाहर से पर्याप्त संख्या में हमको SP रैंक के ऑफिसर और इंस्पेक्टर और अन्य फोर्सेज को माना गया है। 2000 से अधिक पुलिसकर्मी और पदाधिकारी इस पूरे प्रोग्राम में डेडिकेटेड रहेंगे और इस प्रोग्राम को बहुत अच्छे तरीके से जिला प्रशासन सुनिश्चित कराएगा। राजेश को आवाज़